नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम बात करेंगे पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना के देवगांव से चौंकाने वाली खबर की, जहां पढ़ाई के नाम पर बच्चों को दूसरे धर्म का पुस्तक दिया जा रहा था, धार्मिक पाठ पढ़ाया जा रहा था। चक्रधरपुर पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें 3 युवतियाँ और 1 युवक शामिल है। हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि देवगांव में 3 दिनों से कुछ युवक युवतियां शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को बताते हुए गांव के बीच बच्चों को पेंसिल, पेन और कॉपी वितरण कर रहे थे। साथ ही युवक युवतियों के द्वारा कहा गया था कि हम गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देंगे। इसे लेकर ग्रामीण राजी भी हो गए थे और देवगांव के नीचे टोला के कोलसाई में गाँव के बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी। जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ लोगों की नज़र पड़ी कि बच्चों को दूसरे यानी ईसाई धर्म की किताबें दी गई हैं, जिसमें धार्मिक बातें लिखी हुई थी। इससे स्थानीय ग्रामीण नाराज हो गए। साथ ही इसकी जानकारी पंचायत के उप मुखिया संगीता सवैया और पुलिस को दी, फिर जाकर कार्रवाई हुई। अभी तुम हम तुमको पूछे तो तुम क्या बोले, यहाँ क्या चल रहा बाबू? तुम क्या, तुम अभी पहले बताओ तुम कौन हो? वार्ड मेंबर है। क्या नाम है? कहाँ का वार्ड मेंबर हो? तुम कौन हो? प्रेम कायम। प्रेम कायम कहाँ से हो? तुम्हारा धर्म क्या है? क्रिश्चियन है। पहले क्रिश्चियन हो, अभी क्या हो? अभी क्रिश्चियन है। पहले क्या थे? हो धर्म क्या है? हिंदू बोलो। हाँ है पूजा पाठ सब। अभी तुम क्या बोले कि यहाँ क्या पढ़ाई चल रहा? हम जब पूछे तुम क्या बोले कि यहाँ हो का पढ़ाई हो रहा? बोली सच बोलोगी? अभी क्या बोली तुम? वैसा नहीं, तुम बोली कि हो का पढ़ाई हो रहा। हम जब किताब मांगे देखे तो ये यीशु धर्म का प्रचार हो रहा। हम बोले ना बाबू तुमको यीशु धर्म का प्रचार नहीं भैया, हम लोग यहाँ खाली क्या है कैसे समाज को जागरूक करना वो पढ़ा रहे। हम जब की देखे किताब खोल के तो हो धर्म, तुम लोग क्रिश्चियन यीशु का धर्म का पूरा प्रचार करो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तन का जो खेल खेला जा रहा है उसके पीछे कई लोगों का इस पे हाथ होगा, कई रैकेट शामिल होंगे, क्योंकि स्थानीय ग्रामीणों ने जाहिर की है नाराजगी और एकजुट हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर थाना के देवगांव नीचे कोलसाई का मामला है, जहां धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। बच्चों को शिक्षा के नाम पर दूसरे धर्म की किताबें पढ़वाई जा रही थी। देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर थाना के देवगांव नीचे टोला कोलसाई का ये मामला है, जहां पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, लेकिन ग्रामीणों की सजगता से ये 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और उसके बाद पूछताछ पुलिस कर रही है। हमारे साथ सीधे पश्चिम सिंहभूम से वरिष्ठ बीजेपी नेता अशोक सारंगी जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। अशोक जी, जिस तरह से ये जो घटना हुई है पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर थाना के देवगांव नीचे टोला की, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और जहां धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, ये निश्चित तौर पे 4 आरोपियों को तो गिरफ्तार की है पुलिस, लेकिन निश्चित तौर पे और भी कई लोग इसमें शामिल होंगे। जी 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 बताइए। सबसे पहले ये चक्रधरपुर से 3 किलोमीटर दूरी है देवगांव, दो केंद्र पंचायत में पड़ता है। वहाँ जो वहाँ के वार्ड मेंबर है, ये जो क्रिश्चियन धर्म के जो प्रचार करते हैं जी, उनको बुला करके हो भाषा की पढ़ाई के नाम पर ट्यूशन एक लगा करके स्कूल का बरंदा में बाहर में ये लोग को हो भाषा पढ़ा रहे बोल करके घर से बुलाया जी। और उसको हो भाषा तो नहीं पढ़ा रहा था, क्रिश्चियन की किताब दे करके, क्रिश्चियन धर्म का किताब दे करके वो बच्चों को जो ईसा मसीह के बारे में थोड़ा लोगों को बरगला रहा था, जिसके कारण के गांव के कुछ बच्चा उसको सुनने के बाद गांव में हल्ला होने बाद वही हो लोग आदिवासी का टोला है जी। सभी आदिवासी लोग वहां जमा हुए, जमा हो के उसको पूछे वार्ड मेंबर को ये तुम इसको कैसे बुलाए, कौन है? तो पहले तो हिंदू बोला, तो बाद में बोला कि नहीं हम हो भाषा सिखा रहे। तब उस बच्चे लोग को किताब दिया गया, किताब मांगा गया, तो किताब में देखा गया कि भाई वो यीशु मसीह का किताब है।
वही बताया जा रहा, तो उसके साथ गांव के लोग उसको पकड़ा, तो लास्ट में वो कबूल किया कि हम किसान धर्म का प्रचार में हम आए हैं और इन्होंने हमको बुलाया है। तो इस तरह करके इस क्षेत्र में स्कूल्स में यही सब काम हो रहा है, परंतु इसकी रोकथाम के लिए नहीं है। हम लोग का संज्ञा में आने पर मैंने डीसी को भी, मुख्यमंत्री को भी, सबको ट्विटर के माध्यम से संज्ञा दिया और थाना भी उसी वक्त सूचना मिलने पर अपने थाना आया और चारों को गिरफ्तार करके ले गया। ये एक बहुत षड्यंत्र के तहत आज आस पास में सोचिए गिरजाघर भी बनने लग गया है, तो ये भी एक हो समुदाय जो बाकी था जिसको क्रिश्चियन बनाने का, अब उसमें उन लोग जो नजर लगाए बढ़ाया हुआ कि हम कितना से कितना लोग को कर सकते ट्रांसफर, इसलिए उनको धर्मांतर करते। ये षड्यंत्र के तहत अगर सरकार इस पर सजग नहीं होगा तो ये जो तुष्टिकरण की जो भावना, जो माहौल बन चुकी है, ये तुष्टिकरण का जो असर है, ये एक मनोबल बन रहा है उसकी मिशनरी के ग्रुप को, जो लोग खुल करके आकर के इस तरह का काम कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर। अशोक जी जल्दी से ये जानना चाहेंगे, देखिए एक तो गांव के भोले भाले लोग वहां पर होते हैं और जिसे जिसे जो है बरगला कर कहा जाए और बच्चों को शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के आड़ पर जिस तरह से वहां पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, निश्चित तौर पे कड़े कानून होने के बावजूद भी जरा भी डर नहीं है इन लोगों को। बात है कि पत्रा महोदय जी, कम से कम सरकार की तो तुष्टिकरण नीति है, क्योंकि ये आज जितने भी राजनीतिक दल गए जिसका भी सरकार हो जी, कम से कम सरकार में जो सारी व्यवस्था है इस व्यवस्था के प्रति सजग रहना चाहिए। आप जो करते करिए नहीं है, लेकिन आज ये जो माहौल बना है जिसके कारण से मेसनरी ग्रुप को ऐसा नहीं होता था, विद्यालय में आकर के बच्चे को भाषा के नाम पर उसमें मेसनरी का जो यीशु मसीह का किताब दे करके फोर्सिबली किया जाए, उनको जा बरगला जाए, लेकिन ये देखने को मिल रहा है इसलिए कि माहौल में जो तुष्टिकोण की जो सरकार है जेएमएम का, ये तुष्टिकोण की जो माहौल बना के रखा है उसमें से कारण से उनका स्पर्धा बढ़ा है। और ये नजदीक टाउन से 3 किलोमीटर दूरी है, बहुत दूर भी नहीं है, और आकर के इसको इतना एहसास किया, तो मैं हो आदिवासी लोगों को इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गांव में जो सजग है उन्होंने कहा कि भाई हम 200 साल जिसका गुलाम किया फिर हमको गुलाम बनाना चाहते हो, हम अपना धर्म को नहीं, उसको उसे जो प्रचारक है उसे पूछा तुम तो पहले हिंदू था, तुम ऐसे नहीं बना तो बाकी लोग को क्यों बनाने आए हो। जी जी जी, इस पर इसने कड़ी से कड़ी सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, उनको तो पुलिस हिरासत में लिया है, हम लोग भी यही डिमांड करते हैं। जी, तमाम बातचीत के लिए अशोक जी आपका धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ थे पश्चिम सिंहभूम से वरिष्ठ बीजेपी नेता अशोक सारंगी जुड़े, जिन्होंने तमाम बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए वैसे लोगों को जो धर्म परिवर्तन शिक्षा के नाम पर खेल कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन का खेल जो है बरगला कर करते हैं और ऐसे भोले भाले लोगों को तमाम सुविधाएं देने की बात करते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। निश्चित तौर पे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के नाम पर जिस तरह से पश्चिम सिंहभूम से धर्म परिवर्तन की बात आई है, ये हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से कड़े कानून बनाए गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के करतूत कुछ लोग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस से कहा जाए कि चक्रधरपुर पुलिस, पश्चिम सिंहभूम की पुलिस लगातार एक्शन में है और एक्शन के तहत ही इस तरह की कार्रवाई की गई है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पश्चिम सिंहभूम से गिरिराज सेना के प्रमुख है उमा शंकर गिरी जी। उमा जी, जिस तरह से तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली हैं और चौंकाने वाली भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और वैसे भोले भाले लोगों को शिक्षा के नाम पर बच्चों को दिया जा रहा है कि हम हो भाषा की पढ़ाई करवाएंगे और तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, पेंसिल कॉपी की भी वितरण किया जाता है और फिर और इसी के नाम पर, इसी के आड़ में धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। जी जी, बात इसी है कि देश में कानून बना हुआ धर्म परिवर्तन होने की, सभी राज्य में घटना हो रही है जी, कि हिंदू धर्म को मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज में डाइवर्ट कर दिया जा रहा, पैसा पूरा राज्य में आपको न्यूज मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले एमपी में देखिए गंगा जमुना स्कूल में कहानी आया कि स्कूल गेट खोलकर सभी बच्चे को हिजाब पहनना है और उन्हें कुरान वहाँ पढ़ाया जा रहा है, नमाज पढ़ाया जा रहा है, भगवान का नाम लिखा जा रहा है बच्चे को, उसमें स्कूल के टीचर आए हिंदू से टीचर मुस्लिम समाज देखने को एक
आपकी आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है उमा शंकर जी, आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है, कोशिश कीजिए जी। हेलो जी जी बोलिए, बोलिए बोलिए। अब घटना देखने को मिल रही है कि अभी कुछ दिन पहले घटना समरा स्कूल में घटना मिली, आया जा रहा बच्चे को, बच्चियों को शिक्षक उमा शंकर जी आवाज क्लियर नहीं हो रहा है आपके पास, आवाज क्लियर नहीं आ पर नेटवर्क की वजह से। अच्छा अच्छा जी बोलिए बोलिए। तो ये घटना ये सभी राज्य में कानून तो बन चुका है धर्म परिवर्तन, लेकिन इसका पालन नहीं होता है। ये सभी सरकारी हमारे जो मंत्री हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको भी मालूम है, लेकिन जब कुछ आवाज उठाइए तो उसको लिपापोती कर दिया जाता है। आज जो चकरदापुर में देवगांव स्कूल में मिला देखने को जी, आज जो वो टीचर गए थे क्रिश्चियन समाज के बारे में प्रचार करने के लिए, खुद हिंदू हैं और हिंदू से वो डाइवर्ट हुए हैं क्रिश्चियन समाज में, और हमारे बच्चे लोग को बताइए, छोटे छोटे बच्चे को स्कूल का हो भाषा है या जो भी भाषा, उनको अपना जो धर्म के उनके बारे में बताइए, उनको समाज इतिहास का नॉलेज दीजिए, लेकिन एक क्रिश्चियन समाज का बुक बांट के, किताब बांट के और इनका दिमाग में डाइवर्ट किया जा रहा, तो ये कैसा कानून व्यवस्था चल रहा है कि कोई धर्म कानून बना हुआ लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता, और ऐसी बहुत घटना हम लोग को देखने को मिलती है। अभी जैसे लव जिहाद की घटना है चकरदापुर में भी अभी खूब चल रही है, तो ये घटना को प्रशासन से हम लोग आग्रह भी किए हुए, यहाँ के भी और उच्च अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी को भी हम लोग बोले हैं कि इस समाज पर इस जो घटना घट रही है, खास करके हिंदू सनातन समाज पर विशेष ध्यान दें, दिमाग को उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। और कल लेके हम लोग देवगांव जाने वाले भी हैं, देवगांव के ही बगल में एक टेबल लाइन है, अभी कुछ दिन पहले ही घटना है, 3-4 दिन की बात है, हिंदू लड़की को मुस्लिम समाज के लोग फंसाए नाबालिग में, और 2 साल शोषण करने के बाद अब पता चला कि वो लड़का मियां है, हिंदू नाम बता के प्यार किया गया, शादी किया गया। तो बहुत घटना है जो आप मीडिया बंधु को भी मालूम है इस सब घटना के बारे में, सरकार को भी मालूम रहती है, लेकिन सरकार तो वोट की राजनीति कर रही है कहीं की भी हो। जी जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए मतलब नहीं है जी, तमाम बातचीत के लिए उमा शंकर जी आपका धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ पश्चिम जम्मू से गिरिराज सेना प्रमुख उमा शंकर गिरी जुड़े, जिन्होंने कहा है, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को किताबें दी जा रही हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, वो इसको लेकर आवाज़ उठाएं। हम लगातार बात कर रहे हैं पश्चिम सिंहभूम के चकरदरपुर थाना के देवगांव नीचे टोला कोलसाई का ये मामला है, जहां पर धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था, शिक्षा के आड़ में जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसको लेकर सजग ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और सीधे पुलिस को फोन करने के बाद यहां पर पुलिस आई है, और पुलिस आई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर बच्चों को हो पढ़ाई की बात करते हैं, ये निःशुल्क हो पढ़ाई की बात करते हैं, साथ में पेंसिल कॉपी और कुछ अन्य सामग्री भी बच्चों को देते हैं, लेकिन उसके पीछे किस तरह से इनका खेल चल रहा है धर्म परिवर्तन के नाम पर, ये उजागर हुआ है। हमारे साथ पश्चिम सिंहभूम से संवाददाता अशोक पोद्दार जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जिस तरह से मामला आया है पश्चिम सिंहभूम से, निश्चित तौर पे हैरान करने वाली है, वहाँ पर किस तरह से आप तस्वीरों को देखे और किस तरह से ग्रामीण जो है आक्रोशित नजर आए। जी जी बिल्कुल, ये हैरान करने वाली तस्वीर है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के चकरधरपुर थाना के देवगांव में पढ़ाई के नाम पर बच्चों को दूसरे धर्म की पुस्तक दिए जाने और धार्मिक पाठ पढ़ाए जाने की शिकायत पुलिस को मिली, जहां चकरधरपुर पुलिस को शिकायत मिलने के बाद बुधवार को पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें 3 युवतियां एवं 1 युवक शामिल है। वहीं हिरासत में लिए गए युवक युवतियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि देवगांव में 3 दिनों से कुछ युवक युवतियां शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य बताते हुए गाँव के बीच बच्चों को पेंसिल पेन एवं कॉपी इत्यादि वितरण कर रहे थे। साथ ही युवकों द्वारा कहा गया था कि हम गांव के बच्चों को निशुल्क शिक्षा भी देंगे, लेकिन यहां कुछ मामला अलग ही दिखाई पड़ा। अशोक, जिस तरह से 4 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, तो मुझे लगता है कि ये 4 लोग ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोग होंगे जो इनका साथ दे रहे होंगे, और इस तरह से धर्म परिवर्तन के नाम पर
बेकूफ बना रहे हो, बरगला रहे, बरगलाने का काम करते हैं ये लोग जी। ये क्षेत्र में पहला मामला नहीं है, इसे पूर्व भी क्षेत्र में बहुत सारे मामले आ चुके हैं धर्म परिवर्तन को लेके, जो लोगों को लोभ दे के, लालच दे के इस तरह का धर्म परिवर्तन करने के लिए कन्विंस किया जाता रहा है। तो ये क्षेत्र में ये पहला मामला नहीं, इसे पहले भी बहुत बार हो चुका है। तो जैसे कि गांव क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उन्हें भी कन्विंस करने का कोशिश किया जाता है लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन को लेके। हालांकि क्षेत्र में जो ये घटना हुई है, ये धर्म परिवर्तन करने के पहले ही इसमें लोगों द्वारा पकड़ा जा चुका है। जी। निश्चित, चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया अशोक जी। अशोक पुद्दार हमारे साथ जुड़े, सिंह पश्चिम सिंहभूम से संवाददाता है, जिन्होंने ये कहा है कि किस तरह से धर्म परिवर्तन का खेल वहाँ चल रहा था, लेकिन तत्परता, ग्रामीणों की तत्परता और सजगता के साथ वहाँ पर खेल को रोका गया। सबसे बड़ी बात है कि आखिर धर्म परिवर्तन कब तक होता रहेगा, अंधविश्वास के नाम पर कब तक धर्म परिवर्तन होता रहेगा। धर्म परिवर्तन करवाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि पश्चिम सिंहभूम में ग्रामीण और पुलिस की तत्परता से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है कि कार्य में कौन कौन लोग शामिल हैं और पश्चिम सिंहभूम में धर्म परिवर्तन कराने वालों का कितना बड़ा रैकेट है। देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।